नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त तपन चौधरी और मैं बहुत ही बढ़िया, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक और बहुत ही अच्छी भर्ती लेकर आया हूँ, जो कि आपके यहाँ पर निकल कर आ रही है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आपके यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर है, उसके अंदर जो आपका भूजल विभाग है उसके अंदर आपके यहाँ पर सहायक अभियंता यांत्रिक, यानी कि आपके यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के अंदर वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आपके यहाँ पर जो ये वैकेंसी है सहायक अभियंता की, इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आपके जो शैक्षिक योग्यता है वो क्या मांगी गई है, और इसके साथ साथ इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कितनी फीस देनी होगी, और क्या इसके अंदर एज लिमिट मांगी गई है, क्या आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स होने वाली यानी कि कब से लेकर कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी आपके यहाँ पर अप्लाई करने के लिए फीस लगने वाली है, और इसके साथ साथ इसमें सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, यानी कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस है यानी कि आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है, और दोस्तों इसके अंदर आपका सिलेक्शन के बाद जो आपकी सैलरी है यानी कि आपका जो वेतनमान है वो कितना रहने वाला है। दोस्तों, इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की तरफ से जो अपडेट आती रहती हैं उनको लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट या कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है आपके यहाँ पर, तो आपको उसकी अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें हम आपके यहाँ पर आज की भर्ती की। दोस्तों देखिए, आपके आज की जो भर्ती है वो है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर भर्ती 2023। जी हाँ दोस्तों, आपके यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के अंदर भर्ती निकली हुई है, जो आपके 2023 की भर्ती है। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, इसके अंदर आपके यहाँ जो भर्ती है वो है यहाँ पर भू जल विभाग भर्ती, जिसके अंदर आपके यहाँ पर सहायक अभियंता यांत्रिक यानी के असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की ये भर्ती है, जिसके अंदर बात कर रहा है टोटल वैकेंसी की, तो आपके यहाँ पर 12 वैकेंसी यानी कि 12 पोस्ट, 12 वैकेंसी के ऊपर भर्ती निकाली गई है। आपकी इस पोस्ट के ऊपर 12 वैकेंसी हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, आपके यहाँ पर इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो है आपके यहाँ पर बीई और या बीटेक डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इसके साथ साथ आपको राजस्थानी कल्चर की नॉलेज भी होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। और बात करें इसके लिए एज लिमिट की, इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो आयु है वो कितनी मांगी गई है। दोस्तों देखिए, तो आपकी जो एज लिमिट है वो आपके यहाँ पर 20 से लेकर 40 साल रखी गई है, जिसके अंदर आपके यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यानी कि आयु में छूट का प्रावधान भी है, वो भी आपके यहाँ पर एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स यानी कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स की, यानी कि इस भर्ती के लिए कब से लेकर कब तक फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। दोस्तों देखिए, आपके जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो है आपके यहाँ पर 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर 2023। जी हाँ दोस्तों, आपके यहाँ पर इसके लिए फॉर्म भरना है वो 23 अगस्त से शुरू हो जाएगा, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है आपके यहाँ पर 22 सितंबर 2023। जी हाँ दोस्तों, आपके यहाँ पर 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर 2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके लिए फीस की, यानी कि इसमें अप्लाई करने के लिए किस किस कैटेगरी को कितनी फीस देनी होगी। दोस्तों देखिए, आपके यहाँ पर जो जो स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी के हैं या फिर जो अदर स्टेट से आते हैं, जैसे कि आपकी ये भर्ती राजस्थान के अंदर है, तो जो स्टूडेंट्स राजस्थान के अलावा कहीं और से हैं या फिर राजस्थान के अंदर है लेकिन जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो उनके आपके यहाँ पर ₹600 एप्लीकेशन फीस यानी कि आवेदन शुल्क लगने वाली है। और इसके साथ साथ आपके यहाँ पर जो SC ST OBC हैं उनके आपके यहाँ पर ₹400 लगने वाले हैं आवेदन शुल्क के रूप में। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपके यहाँ पर हम इस भर्ती के अंदर सैलरी यानी कि आपके यहाँ पर पे डिटेल्स की, यानी कि इसमें भर्ती होने के बाद, इसमें आपका सिलेक्शन होने के बाद आपकी जो सैलरी है, आपकी जो तनख्वाह है वो कितनी मिलने वाली। दोस्तों देखिए, आपके यहाँ पर इसकी जो सैलरी है वो आपके यहाँ पर राजस्थान के अंदर लेवल 14 के अंदर आती है, इसके अंदर आपकी सैलरी रहेगी
400 रुपए। जी दोस्तों, आपको 82,400 रुपए लेवल 14 के अंदर मिलेंगे राजस्थान के अंदर। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें आपका सिलेक्शन है पोर्टल एग्जाम के बेस पे होगा, आपका एक एग्जाम लिया जाएगा जिसके बेस पे आपके इसके अंदर सिलेक्शन लिया जाएगा। और बात करें आपके यहाँ पर इसके अंदर अप्लाई मोड की, यानी कि आपको इसके अंदर अप्लाई किस प्रकार से करना है दोस्तों। तो इसके अंदर जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन है, इसके अंदर अप्लाई करने के लिए कुछ भी ऑफलाइन नहीं है, पूरी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है दोस्तों। ये तो थी आपके यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के अंदर भूजल विभाग के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती को लेकर संपूर्ण जानकारी। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानना है तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर उस लिंक पर क्लिक करके इसके बारे में और अधिक जान सकते हैं। और इसके साथ साथ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसका ऑफिशियल अप्लाई लिंक, वो सब मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके बारे में अधिक जान सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है तो कृपया आप सब लोग कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक करें। लेकिन आप अपनी कोई ना कोई प्रतिक्रिया, अपनी कोई ना कोई राय, अपना कोई ना कोई ओपिनियन इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर कमेंट के रूप में लिखकर जरूर जाएं, जिससे मुझे पता लग सके कि आप सब लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो ये थी आपकी बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट। ऐसी ही और बहुत सी इम्पोर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, और आपका दिन शुभ हो।